भी शायद इसके साथ कार्यक्रम होंगे, सेवानिवृत्त वालों को भी, नए जो कर्मचारी बने हैं उनका भी सम्मान। आज के समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश में अपने समाज का गौरव बढ़ाने वाले मेरे बड़े भाई सम्मान्य देवीलाल जी धाकर साहब, मंचासीन, सभी धाकर समाज के अतिथिगण, मेरे सामने बिरादरे, सभी समाज के प्रतिष्ठित नागरिक बंधु, बेटियों और बालकों, आप सबको सर्वप्रथम तो इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामना। हमारे लिए सबके लिए नया साल बहुत मंगलमय हो, नई खुशियाँ लाए और इस कोरोना से मुक्ति दिलाए। और जो वर्चुअल जो हम सब कार्यक्रम करते हैं, सबकी आंखों की ज्योति खराब होगी तो इससे मुक्ति मिले। लग ऐसा ही रहा है कि शायद ये अंतिम साल है कोरोना का, इसके बाद नहीं होगा, ये जहां तक लग रहा है मेरे को ऐसा ही हो रहा है। डॉक्टर साहब भी कह रहे डन। मैं इस समारोह में जितने भी प्रतिभाओं ने भाग लिया और जिन्होंने सम्मान प्राप्त किया उनको मैं मेरी तरफ से उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। पूर्व वक्ताओं ने स्वास्थ्य के लिए आदरणीय केलास जी हमारे डॉक्टर साहब ने आपको अपने टिप्स दिए हैं। सबसे पहले तो स्वास्थ्य ही है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें निश्चित रूप से। उसके अलावा स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा के लिए विशेष रूप से आदरणीय एमएलए साहब ने जो फरमाया है, लक्ष्य तय होना चाहिए। अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंख दिख रही थी, ऐसे आपको भी लक्ष्य तय हो कि मेरे को ये करना है। और ये तो तय मान लो कि हम जिस लक्ष्य को लेके आगे बढ़ेंगे हमें कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसी कोई हम सब में प्रतिभा है और सभी तरह की प्रतिभा है, ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है दुनिया की जो हम हासिल नहीं कर सकते। सब चीजें अपन प्राप्त कर सकते इसी लक्ष्य के साथ, इसी मेहनत और परिश्रम के साथ, इसी रूप से हमें आगे बढ़ना है। आप बच्चों सब सौभाग्यशाली हो कि आपके माता पिता, हम हमारे जमाने की भी, पहले के जमाने की भी बैठे हैं, आदरणीय गाजी लाल जी बैठे हैं और हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं। उस जमाने की बात करें कि बच्चा पढ़ना चाहता था, उसको उस समय उचित माहौल न मिला, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं थे, शिक्षा के लिए भी स्कूल नहीं होने की वजह से उसको बड़ी परिवार वालों को दिक्कत होती थी। अब हर जगह शिक्षा के क्षेत्र में हर सीनियर स्कूल है, नजदीकी कॉलेज है और हर माता पिता ये चाहता है क्योंकि समाज ये मान चुका है कि समाज की उन्नति और तरक्की तभी है जब समाज शिक्षित होगा और अपना परिवार शिक्षित होगा। काल था ना, पूत कपूत तो क्यों धन सिंचित, पूत सपूत तो क्यों धन सिंचित। यदि कपूत बेटा निकल गया तो अपन को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो सर जितने भी कमाओगे उनको सबको ठिकाने लगाएगा। पूत सपूत, यदि सपूत अच्छा निकल गया, बेटा अच्छा है या बेटी अच्छी है, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितना अपन ने किया है उसको निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाने का वो प्रयास करेगा, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वर्तमान में जितने भी सब भावुक हैं, अभिभावक, माता पिता सब हैं, सब ये चाहते हैं, चाहे बालक हो चाहे बालिका, चाहे बेटी हो या बेटा हो, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पहले भेदभाव होता था कि बेटे को दूध पिलाओ बेटी को चाय पिलाओ, या कहीं दूध में कमी है दो गिलास एक गिलास है तो पहले बेटे को पिलाओ, पर अब वो नहीं। मैं जहां तक मानता हूँ समाज में ऐसी, अब ये जो समाज की मान लो कहीं ये बात सामने कहीं नहीं, सब यही चाहते हैं कि बेटी पढ़े। और मैं तो ये मानता हूँ कि बेटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बेटी ज्यादा पढ़े लिखे, क्योंकि एक घर नहीं वो दो दो तीन तीन घर तक संवारती है। और उसके साथ सबसे बड़ी जो मुक्ति मिलती है उसके गार्जियन को, माता पिता को, बेटे को पढ़ाने से उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है, क्योंकि बेटी को पढ़ा दिया तो उसके मन में वो जहां भी जाएगी अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, ताकि चिंता करने की जरूरत नहीं है, कहीं दिक्कत कहीं समस्या नहीं है। बेटी यदि नहीं पढ़ी, पढ़ी लिखी नहीं है, तो ससुराल में कितने प्रकार के कौन से सासू दादी सासू या परिवार के रिश्तेदार कौन कौन से क्या क्या कहेंगे, पर हम खुद ही सक्षम बना दिया तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए माता पिता को, सबसे ज्यादा माता को और पिता को दिक्कत होती है कि बेटी जहां तक रहे वो खुशी रहे जिस परिवार में रहे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि हम उस समाज से आते हैं जो स्वावलंबी है, संस्कारवान है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार के लिए आदरणीय एमएलए साहब, शिक्षा भारती से सब इनसे जुड़े हुए हैं, संघ के स्कूल है, आपने पढ़ाओ संघ के स्कूल, संस्कार जरूरी है। संस्कार
से आता है, हमारा समाज संस्कारवान, हमारा समाज वास्तव में जाना जाता है। हर किसी के पीछे जो शब्द लगता है, धाकर हो नागर हो, इसके पीछे जो समाज लगता है, तो ये कहते हैं ये समाज से अच्छा, तो ये इसीलिए है अच्छा, जो इसने गलत किया है वो इस समाज से इसलिए गलत किया, ये इस समाज से इसलिए सही किया है। तो उससे समाज की वास्तव में पहचान है और उसको अपन को जिंदा रखना है। साथ ही साथ सोशल एक्टिविटीज में हमें भाग लेना है। हम जिस भी हैं, आज आप अभी सब प्रतिभा है, आपको आगे बहुत कुछ करना है, पर साथ का साथ ही परिवार को समाज को नहीं भूलना है। डॉक्टर साहब भी अभी किसी को फोन कर दे, ये भी किसी के पीछे, पेशेंट के पीछे यदि दाखिल लगा हो तो इनके मन में ये रहता है कि यार अपने समाज का आदमी, और हमें कहीं कहीं प्लेट लग रही है कि ये डॉक्टर कहाँ का डॉक्टर है, तो हम भी वहाँ जाना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से आप सबको ध्यान रखना आगे, राजनीति क्षेत्र में भी हो, ऐसे बहुत से समाज ऐसे हैं जिनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उनके समाज के इतने लोग सभी क्षेत्रों में हैं, आईएएस से लेकर एक एलडीसी से लेकर आईएएस तक, कि हर जगह कहीं कहीं जहां भी जाएंगे उनके समाज का बंधु मिलेगा। उनको राजनीति क्षेत्र में कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उनका कुछ भी नहीं हो उसके बाद भी उनका सब कुछ है। और हमारे गिने चुने में राजस्थान की विधानसभा में इकलौता हूं, एकमात्र ऐसी स्थिति है। और ये भी है कि अपन स्वाभिमान है, हम खुद जमीन जोत कर हरी खरी कमाई से अपना धन अर्जित करते हैं, उसी से सब कुछ करते हैं, और उसके बाद भी कुछ लोग हर चीज कहीं कहीं उसको भगवती समझते हैं। राजनीति भी है तो वो कहते हैं कि खेत को खोदने वाला, ये गौड़े में रहने वाला, ये क्या हम सब पे राज करेगा, इससे भी सबको जलन होती है। ये हकीकत बता रहा हूं प्रधान साहब, मेरा ध्यान रखना, इससे भी जलन होती है। तो इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं, और अपन सब बढ़ रहे हैं, प्रतिभा से बढ़ रहे हैं। हमारे ऊपर कहीं भी, कहीं कितने भी जनप्रतिनिधि हो, कहीं कहते हैं यार ये समाज का है, और अपने आप में गौरव महसूस होता है। अपने जितने भी राजनेता भी राजस्थान में रहे हो, चाहे वो स्वर्गीय चतुर्भुज जी दुनिया में नहीं रहे, शिव नारायण जी की भी अंतिम उनकी समय है, स्वास्थ्य साथ नहीं देता, नहीं तो वो भी आते थे, जो भी समाज के जो भी रहे डॉक्टर साहब, उन्होंने वास्तव में समाज का गौरव बढ़ाया। राजस्थान की विधानसभा में भी चर्चा चलती है तो उनका अलग ही कहीं वहाँ क्रेज की, यार अच्छे ईमानदार आदमी थे, अच्छे अपनी खरी बात कहने वाले थे, जो खरी कहता है वो सुखी रहता है, खरी वही कह सकता है जब अपने आप में स्वाभिमान है। आजकल चापलूसी का जमाना है, हकीकत है, चापलूसी करके बहुत कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, पर वो ज्यादा चलने वाली नहीं है। चापलूसी में एक बार आगे बढ़ जाता है वो आगे चल के कुछ अपना नाम और आगे नहीं बढ़ा सकता। राजनीति में हम ही एक बार कोई भी राजनीति में आता है तो वह कितने लल्ले कोई भी कुछ भी करके कितने पैर पकड़ के एक बार आगे बढ़ जाएगा, ठीक है सबने आशीर्वाद दिया, दोबारा यदि उसको आना है तो अपनी प्रतिभा उसको दिखानी पड़ेगी, उनको निश्चित रूप से दिल जीतना पड़ेगा। डॉक्टर साहब के पास यदि एक बार चल गया, दो बार चल गया, यदि पेशेंट ठीक नहीं होता है तो दोबारा जाएगा कि फिर नहीं जाएगा कोई, तो दोबारा जब ही जाएगा तो वो उसका इलाज अच्छा होगा। ऐसे जनता भी चाहेगी कि हम कहीं भी जो भी हमारे चाहे जनप्रतिनिधि है या किसी भी क्षेत्र के लोग हैं, हम उसी के पास जाना पसंद करते हैं जो हमारी समस्या हो या हमारी जो भी दिक्कत हो उसका समाधान कर सके। और आगे आने वाला समय हमारा मान सम्मान सबसे बड़ी चीज है, हम स्वाभिमान से जिंदा रहने वाले हैं, इसलिए कह रहा हूं चापलूस हमारे में है ही नहीं। कोई भी हो, कितने मंच में कितने बैठे, हम गोविंद जी हम भी बात करते हैं, वीणा जी बैठी है, चापलूसी है ही नहीं जो कहना है। इसीलिए समझने वाले तो ऊपर वाले भी ये समझ जाते हैं कि इनके मन में चापलूस नहीं, ये करेंगे भी, तो जो करते हैं वो करते ही रहते हैं। कोई तो चापलूस से जिंदा है, वर्तमान में कुछ नेता कुछ चीज ऐसी है जो केवल व्हाट्सएप सोशल मीडिया से ही जिंदा है, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत से ऐसे हम लोग करते नहीं पर हम जमीन पर कुछ करते हैं, इसलिए हम जिंदा है। आप सब लोगों को मेरी तो यही है बेटिया और सबको कि आप निश्चित रूप से मेहनत करें। समाज में से मतलब बड़ी खुशी है कि आज हर क्षेत्र में समाज के लोग आगे आए हैं। इस बार इस झालावाड़ जिले में भी दो आरपीएस में दो आरएस में चयन हुआ है, एक ने अपनी इच्छा से ही उसको आईएस आरएस नहीं बन के आरपीएस में ले लिया, अब उसकी इच्छा ही आरपीएस बनना है, नहीं तो उसका मेन नरेंद्र नागर जो है हमारी पंचायत का ही कमलदा, अब उसने खुद ने आरपीएस का भर दिया आरपीएस, जबकि आरएस अब आरपीएस में दिक्कत ये है कि जहाँ तक वो डीआईएसपी रहेगा जहाँ तक तो ठीक है, फिर एडिशनल एसपी लंबे समय तक रहता है, अब उसमें वो क्या डल पोस्ट में वो फिर काम नहीं कर सकता। और आरएस वास्तव में
लगातार सेवा देता है, उसके बाद फिर आईएएस बन जाता है, आई आर है, तो वही दिक्कत है। जो भी जिसकी रुचि है जिस क्षेत्र में, एक ये जरूर है कि जिसकी जिस क्षेत्र में प्रतिभा है, माता पिता भी उसको उसी हिसाब से आगे बढ़ाना चाहिए और बढ़ाते भी है। जिसकी जिसकी रुचि है, जिसकी रुचि नहीं है उसको कितने ही कुछ करो तो कुछ होने वाला नहीं है। रुचि नहीं है बच्चे की तो उसको कहां तक क्या करो, जिसकी रुचि है वह निश्चित करें। और समाज में भी देखो, मैं तो ये भी कर रहा हूँ कि क्षेत्र के हिसाब से ऐसे बच्चों का भी अपन को चयन करना चाहिए जो वास्तव में जिनके प्रतिभा है, जिनके माता पिता इस स्थिति में जो उसको पढ़ा नहीं सकते, कुछ प्रतिभाओं को गोद लेकर हमें समाज को कुछ उनके लिए करना चाहिए ताकि वो प्रतिभा बढ़े, वो हमेशा याद रहे कि समाज की वजह से आज मैं हूँ, जो भी है आज हम भी हैं समाज की वजह से, कि आपकी वजह से मैं हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी विधानसभा नहीं है तो मैं आपकी वजह से नहीं है, कहीं कहीं आपका दबाव भी मेरे काम आता है। तो क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र, अध्यक्ष जी हंस रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, उनको भी पता है कि यहाँ, क्योंकि ये उदाहरण है, पिछली बार जब यहाँ पर एमएलए साहब चुनाव था पंचायत राज का, इस बार तो जलवाड़ में नहीं हुआ, पिछली बार पंचायत राज का जब चुनाव था तो पंचायत राज चुनाव में यहाँ पर गांगी बनना था प्रधान और झालापाटन में पाटीदार बनना था, दोनों जगह पाटीदार का सेट हो गया, दोनों जगह पाटीदार बनने की स्थिति में आ गए। मैडम ने मेरे को, क्योंकि उस तत्काल उस समय में जिलाध्यक्ष था, तो मेरे को फोन किया जबकि मैं कानपुर लग रहा था, भी क्या करना चाहिए। मैंने कहा साहब ठीक है, आपकी इच्छा क्या है, कि मेरे को दोनों एक जगह नहीं बनाना, हमें सबको संतुष्ट करना है। मैंने कहा एक दाख रोड है उस पर आपकी इच्छा हो उसको बना दो, तो उनके फटाफट जम ली भारती को पिछली बार प्रधान बनाए। तो क्यों इसलिए बनाया, मैंने कि आपके 15-20-25 हजार आपके वोटर है, इस बार 12 में ऐसे अच्छी सफलता दो प्रधान बने हैं अपने अप्रूव है प्रधान, या अभी 12 में 6 जिले हैं, क्योंकि राजस्थान में तो क्या है पूरे 12 महीने क्या 3 साल चुनाव चलते रहते हैं, सरकार ने यही सोच रखा है चुनाव में सबको डाइवर्ट करके रखो, किसी का कुछ करना नहीं। तो पूरे अभी 4 जिले में चुनाव थे, तो 12 में अच्छे प्रधान भी बने हैं, उप प्रधान भी बने हैं, अपने सांगोद में भी उप प्रधान बने हैं, अपने मांगरोल में भी उप प्रधान बने हैं, किशनगंज में उप प्रधान बने हैं, तो सभी क्षेत्र में आगे आए हैं। और शिक्षा के साथ साथ सभी जो अफसर लाइन है वो भी निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। अब मैं आपके बीच में ज़्यादा भोजन के बीच में बाधा नहीं बनना चाहता, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, निश्चित रूप से नया साल सबके लिए अच्छा हो और हम आगे और बढ़े, इसी दुआओं के साथ स्वागत सम्मान किया है। एमएलए साहब का भी इस जिले में स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप भी जब भी कहीं बुलाते हैं तो निश्चित रूप से समय निकाल कर आप पधारते हैं, आपका भी हमें मार्गदर्शन मिला, नए गाँव से मिला, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद, जय नागर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र जी भाई साहब, आपने प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपके सामने एक शख्सियत, जैसे अभी आपने कहा कि किसी को पुलिस वाला अगर आरएस नहीं बनना है तो वो आरपीएस बनता है, मैं आपके सामने एक ऐसा उदाहरण देना चाहूंगा, तो बहुत समय हमारे पास बहुत कम है। हमारे एक कलेक्टर साहब रहे डॉक्टर सिद्धार्थ सियाप साहब, नरेंद्र जी भाई साहब भी जानते हैं, बहुत सौ लोग जानते होंगे, प्रतिभा मोहताज नहीं होती, क्योंकि प्रतिभा यहां बैठी हुई है और वास्तव में प्रतिभा थी कि दिल्ली में हाईकोर्ट में जज रहे, कितनी बड़ी बात होती है, जज बनने के बाद उसके दिमाग खराब हो जाए, उन्होंने कहा जज बन गया अब काम खत्म। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है मान साहब बन गया तो गणो नौकरी करी खटिया में सोए काम खत्म, दिल्ली में हाईकोर्ट में जज रहे संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने आईपीएस की परीक्षा दी एसपी बन गए फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, एसपी बनने के बाद वापस आईएएस की परीक्षा दी आईसीएस और वो कलेक्टर बन गए, मतलब 3 नौकरियां इंडिया लेवल की 3 नौकरियों में यदि आदमी सोच ले तो वो पीछे पड़ जाए तो निश्चित रूप से उसको मिलती है। जैसे अभी 2-3 उदाहरण हमारे बीच में आए, एक एक बंदे को 2-2 नौकरियां मिल रही है, एक तो ऐसे कि 12 लाख रीट में फार्म भर रहे हैं और एक नौकरी के पीछे पड़ रहे हैं, और एक ऐसा है जिसको 2-2 नौकरियां मिल रही है। निश्चित है एमएलए साहब ने जो बात कही उसे हमें अमल लेना चाहिए, उस पर हमें गौर करना चाहिए और गौर इस बात का कि हम पीछा नहीं छोड़े, बस एक उद्देश्य लेकर चले कि जितनी नौकरी हमारी है उसमें से पहले नंबर की मेरी है, बाकी सब कोई भी संभाले। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे अखिल भारतीय सीताकर महासभा डॉक्टर नवीन नागर, पिता श्री प्रहलाद सिंह नागर व्याख्याता, जो इस वक्त कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। आपके सुपुत्र डॉक्टर नवीन नागर ने हाल ही में एडवांस स्पाइनल एंड पेरिफेरल मैनिपुलेशन थेरेपी में अपना यह प्रयास कंप्लीट किया है। मैं सर से निवेदन करूंगा कि आप आए और
नवीन की उपस्थिति यहाँ पर नहीं है, डॉक्टर नवीन नागर की, आप ये सम्मान ग्रहण करें माननीय विधायक महोदय से। एडवांस स्पाइनल एंड पेरिफेरल मैनिपुलेशन थेरेपी में आपने ये बहुत ही शानदार अचीवमेंट हासिल किया है। प्रताप सिंह जी नागर जो डॉक्टर नवीन नागर के सुपुत्र पिताजी हैं वो सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत बधाई डॉक्टर नवीन नागर को। और कार्यक्रम के अंतिम समय में माननीय श्री पृथ्वी सिंह जी धाकर जिला अध्यक्ष धाकर कर्मचारी संघ से मैं निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम के अंतिम उद्बोधन आभार व्यक्ति के रूप में आप मंच के सामने आए और आज के इस कार्यक्रम में अपनी ओर से समस्त समाज बंधुओं को इस कार्यक्रम को आकर सफल बनाने के लिए अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय श्री पृथ्वी सिंह जी धाकर कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष। आज के प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि सम्माननीय हेमले साहब देवीलाल जी धाकर, सम्माननीय हेमले साहब नरेंद्र जी नागर साहब, सम्माननीय मंचासीन अतिथि समस्त पधारे हुए मेरे